आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम एंड द वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अ वॉशिंग मशीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिजाइन टू वॉश द लॉन्ड्री लाइक क्लॉथ, शीट्स, टॉवल्स एक्सेट्रा. जो वॉशिंग मशीन होती है, हम सभी को पता है कि जो वॉशिंग मशीन होती है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिस जो डिजाइन है हमारे कपड़े को वॉश करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए. A washing machine is built with two steel tubs, inner tub and outer tub. मतलब कि जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर आप देखेंगे तो दो टब होते हैं. उसके अंदर आप देखेंगे तो दो, अंदर से हम बोल सकते हैं कि दो टब्स टाइप होते हैं. एक होता है इनर टब और एक होता है आउटर टब. दो तरीके के टब होते हैं, एक इनर टब और एक आउटर टब. तो इन दोनों का रोल क्या होता है कि बाहर पानी के टब के बाहर वाटर ना जा पाए, जिससे जो मशीन के अदर पार्ट्स हैं वो गीले ना हो, इसलिए हम टब्स का यूज करते हैं. इन द बिगनिंग क्लॉथ्स वर वॉश्ड इन वुडन और आयरन टब्स, रबिंग सोप ऑन देम. अब स्टार्टिंग में क्या होता था कि बहुत पहले की बात है कि जो क्लॉथ्स है, हम सभी को पता है कि वुडन का टब हुआ करता था या आयरन का टब हुआ करता था, जिसमें हम सोप का यूज करके कपड़े को धोते थे. फिर बाद में ईयर 1858 में सर हैमिल्टन स्मिथ ने पहली वॉशिंग मशीन को इन्वेंट किया. तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहली जो वॉशिंग मशीन थी वो किसने इन्वेंट करी. सो दिस फर्स्ट वॉशिंग मशीन वॉज इन्वेंटेड इन 1858 बाय द हैमिल्टन स्मिथ. क्लियर. नाउ फिर बाद में पहली इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन कब इन्वेंट हुई, 1907 में. क्लियर. फिर बाद में हम देखते हैं ये एक जो हम बोल सकते हैं वॉशिंग मशीन का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है कि कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कौन से आउटपुट में यूज होते हैं. सो ये है हमारा कंट्रोलर. और इस कंट्रोलर में आप देखेंगे कि इसमें इनपुट में हमने यूज किया हुआ है यूजर पुश बटन, वाटर टेम्परेचर, वाटर लेवल सेंसर, ड्रम स्पीड एंड डोर क्लोज स्विच. क्लियर. और फिर आउटपुट में क्या आ जाएगा, यूजर डिस्प्ले. क्लियर. वाटर हीटर, वाटर पंप, ड्रम मोटर एंड डोर रिलीज. तो ये जो है वो क्या है, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट. जैसे यूजर पुश बटन है तो उसके आउटपुट में आ जाएगा यूजर डिस्प्ले. वाटर टेम्परेचर है, इसके आउटपुट में आ जाएगा वाटर हीटर. वाटर लेवल सेंसर, इसका आउटपुट में वाटर पंप. ड्रम स्पीड के आउटपुट में आ जाएगा ड्रम मोटर. इस तरीके से आप याद कर सकते हैं. डोर क्लोज स्विच के अपोजिट में आ जाएगा डोर रिलीज. अब ये आता है हमारा मेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ वॉशिंग मशीन, जिसमें हमने क्या क्या यूज किया है. एक माइक्रो कंप्यूटर है जो मेन कंट्रोलर है, क्योंकि हमें पता है कि चूंकि एम्बेडेड जो वॉशिंग मशीन है वो एक एम्बेडेड सिस्टम है. एम्बेडेड मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन परफॉर्म करता है. तो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहा है तो इसमें हमने एक माइक्रो कंप्यूटर, हम बात करें माइक्रो कंट्रोलर हम यूज करते हैं. इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, एसी सप्लाई दी है. तो एसी सप्लाई हमने सबसे पहले यहाँ पे जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर को दी है. जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के आउटपुट में हमारा आ गया माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर के आउटपुट से एक ट्रायक कंट्रोल सिग्नल जनरेट हुआ है जो ट्रायक पे जाता है. ट्रायक को भी हमने एसी सप्लाई दी हुई है. ट्रायक के आउट जो है वो मोटर से कनेक्टेड है और मोटर से ड्रम कनेक्टेड है. अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये ब्लॉक डायग्राम वर्क करता है, किस तरीके से हम इसको समझेंगे. ट्रायक क्या होता है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर क्या करता है, ये हम देखेंगे. So at various stages of washing cycle, the drum is required to rotate at different speed. अब जैसे कि हमें पता है कि वॉशिंग साइकिल के अलग अलग स्टेजेस पे जो ड्रम है उसकी स्पीड अलग अलग होती है. जैसे हम बात करें तो तीन स्टेजेस होती है वॉशिंग साइकिल की. सबसे पहली होती है वॉशिंग. आपको पता होगा, आपने वॉशिंग मशीन देखी होगी, तो सबसे पहले जो स्टेज होती है वो होती है वॉशिंग. वॉशिंग मतलब कि पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमता है जो ड्रम है, फिर बाद में थोड़ी सी देर वो रुकता है और फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है. ठीक है, दिस इज द स्टेज ऑफ वॉशिंग. इसकी एक अपनी स्पीड होती है ड्रम की. सेकंड क्या होती है कि वो रिंस होता है पानी. मतलब कि जो भी पानी वॉशिंग में यूज हुआ था वो पानी पूरा
पूरा वहां पे नीचे जो है वाटर आउटलेट से बाहर निकल जाता है। फिर बाद में अब पानी नहीं बचा, अब फिर तीसरी जो साइकिल है वो होती है स्पिन। क्या होती है स्पिन? स्पिन में क्या होता है कि एक ड्रम की बहुत तेज स्पीड रहती है और बहुत तेज स्पीड से जो क्लॉथ से उसको बहुत तेज घुमाया जाता है, बहुत तेज घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो क्लॉथ्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं। सो तीन वॉशिंग साइकिल की तीन साइकिल्स हैं वॉशिंग की, तो हर साइकिल में अलग अलग स्पीड होती है। ठीक है, जैसे हम बात करें तो दिस इंक्लूड्स अ लो स्पीड ऑफ 30 RPM व्हाइल द क्लॉथ्स आर वॉश्ड। मतलब जब क्लॉथ्स वॉश होते हैं, जब ड्रम क्लॉकवाइज फिर थोड़ी देर बाद रुकता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसमें जो स्पीड है वो लो स्पीड की जरूरत पड़ती है, दैट इज 30 RPM। RPM मतलब रोटेशन पर मिनट। फिर बाद में एन इंटरमीडिएट स्पीड ऑफ 90 RPM व्हाइल द क्लॉथ्स आर पम्प्ड आउट। जब क्लॉथ्स जो है, क्लॉथ्स की जगह यहाँ पे आएगा वाटर, वाटर जब पंप आउट होता है तो उसमें ड्रम की इंटरमीडिएट स्पीड यूज होती है, मतलब कि 90 RPM की स्पीड से जो वाटर है वो पंप आउट होता है। और फिर अ हाई स्पीड ऑफ 50 RPM 2000 RPM इज यूज टू स्पिन ड्राई द क्लॉथ्स। फिर बाद में ड्रम की स्पीड, हाई स्पीड 50 RPM से 30 RPM की यूज करके हम जो क्लॉथ्स हैं उसको स्पिन करते बहुत तेज स्पीड से, आपने देखा होगा। तो ये तीनों क्या है कि हर एक अलग अलग स्टेज पे हम यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग ड्रम की स्पीड होती है। मतलब कि अब सबसे मेन चीज क्या हो गई यहाँ पे कि हम को स्पीड अलग अलग साइकिल में वेरी करनी है। स्पीड को वेरी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पीड कैसे कंट्रोल होती है वो हमको देखना पड़ेगा। हाउ टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द वॉशिंग, क्योंकि स्पीड से ही तो हमारा जो वॉशिंग एप्लीकेशन है वो हो पाएगा। क्लियर? अब हमको पता है कि जो वॉशिंग मशीन है वो क्या होती है, क्लोज लूप मशीन होती है। जो हम ऑटोमेटिक की बात करें, एक क्लोज लूप मशीन है। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है कि हम फीडबैक भी यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, फीडबैक रहता है। जहां पे फीडबैक सिस्टम का यूज होता है वो सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप होता है। और क्लोज लूप ऑलवेज ऑटोमेटिक होता है। क्लियर? यूजिंग द मोटर्स टू ड्राइव द ड्रम एंड सेंसर्स टू मेजर इट्स स्पीड। मतलब कि हम ड्रम को ड्राइव भी कर सकते हैं, मतलब ड्रम को मूवमेंट कराना है, और सेंसर से हम स्पीड का मेजर करेंगे। अब मैंने आपसे बोला था कि हम स्पीड को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो स्पीड को मेजर करने के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, मोटर की स्पीड को हम किस तरीके से कंट्रोल करें कि ड्रम की स्पीड कंट्रोल हो, तो उसके लिए यदि हम मोटर से जो पावर सप्लाई हो रही है अगर उसको हम चेंज करें, अगर हम मोटर पे जो पावर आ रही है उस पावर को हम अगर चेंज करें तो हम ऑटोमेटिकली मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम पावर चेंज करेंगे तो पावर को चेंज करने से मोटर की स्पीड चेंज होगी, और मोटर की स्पीड चेंज होने से ड्रम की स्पीड चेंज होगी, और ड्रम की स्पीड चेंज होने से क्या होगा, ड्रम की स्पीड को चेंज होने से हम अलग अलग वॉशिंग साइकिल अटेन कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? तो इस तरीके से हम पढ़ना चाहते हैं। तो अब हमें स्पीड कंट्रोल करना है, तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं, डिवाइस नहीं है बट एक कंपोनेंट है, विच इज नोन एज अ ट्रायक। हम ट्रायक का यूज करते हैं टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर। देखिए, अभी हमने ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे ट्रायक भी देखा हुआ था। ये देखिए ट्रायक, देखिए यहाँ पे ट्रायक के बाद हमने मोटर लगाई है। मतलब मोटर की स्पीड को हमको चेंज करना है तो हम ट्रायक की मदद से मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर के आउटपुट में हमने क्या दिया, ट्रायक कंट्रोल। जो माइक्रो कंप्यूटर है ये एक सिग्नल देगा ट्रायक को, ठीक है, क्योंकि मेन जो लॉजिक है वो तो माइक्रो कंट्रोलर के पास ही, माइक्रो कंप्यूटर जो चाहे वो करेगा। तो प्रोग्राम जो हम करें तो उसके हिसाब से ट्रायक की पावर चेंज होगी। ट्रायक क्या करेगा कि पावर को चेंज करेगा और उसकी मदद से मोटर की स्पीड कंट्रोल होगी, और मोटर किससे कनेक्टेड है, ड्रम से, तो ड्रम की स्पीड कंट्रोल होगी। तो ट्रायक का यूज करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोल्स द पावर डायरेक्टली बाय फायरिंग द ट्रायक एट एन अप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरिंग इट साइकिल। मतलब कि मैं बताऊं आपको, तो इसमें क्या होता है कि देखें, यहाँ पे तो माइक्रो कंप्यूटर है, उससे कनेक्टेड है ट्रायक।
ठीक है, मतलब माइक्रो कंट्रोल कंप्यूटर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा ट्राइक को। क्या करेगा वो कि जैसे यहाँ पे इस तरीके से साइन वेव आएगी, तो क्या होता है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे, जब अप्रोप्रिएट टाइम रहेगा तब माइक्रो कंप्यूटर ट्राइक को फायर करेगा। जैसे ये सिग्नल है, तो क्योंकि अगर सिग्नल यहाँ पे पीक पे है और तब उसने ट्राइक को फायर किया, तो इट विल लीड टू डैमेज ऑफ द ट्राइक। इसलिए अप्रोप्रिएट टाइम आने पे, मतलब कि जीरो क्रॉसिंग पॉइंट आने पे, हम आगे पढ़ेंगे कि जीरो क्रॉसिंग पॉइंट आने पे, जीरो क्रॉसिंग क्या होता है कि ऐसा इंस्टेंटेनियस पॉइंट जहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं होता है, तो उस पॉइंट पे माइक्रो कंप्यूटर क्या करेगा, फायर करेगा, मतलब कि कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा ट्राइक को अप्रोप्रिएट टाइम पे। क्लियर? तो पावर डायरेक्ट, माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोल्स द पावर डायरेक्टली बाय फायरिंग द ट्राइक एट एन अप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरिंग इट्स साइकिल। ड्यू टू डू दिस, माइक्रो कंट्रोलर मस्ट डिटेक्ट द जीरो क्रॉसिंग ऑफ द एसी सप्लाई। तो माइक्रो कंट्रोलर मतलब कंट्रोलर को पता रहना चाहिए कि एसी सप्लाई का जीरो क्रॉसिंग पॉइंट क्या है। मैंने आपको भी समझाया जीरो क्रॉसिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वोल्टेज जीरो हो, है ना। जैसे आपको पता चल गया कि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, और आपको बता दूं कि एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक होती है, एक साइकिल कहाँ से यहाँ तक होती है, यहाँ तक, ये एक साइकिल है। तो इस एक साइकिल में दो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट आते हैं, क्योंकि इसके पहले भी कुछ होगा, है ना। ये यहाँ पे साइकिल एक खत्म हुई है, ये पहली साइकिल, ये दूसरी साइकिल, तो एक साइकिल में दो क्रॉसिंग पॉइंट आते हैं। इसमें भी देखिए आप, दो क्रॉसिंग पॉइंट आते हैं जहाँ पे जीरो, तो जीरो क्रॉसिंग को अपन को पता लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि एक स्पेशल सर्किटरी यूज होती है। देखिए यहाँ पे, टू डू दिस द कंट्रोलर मस्ट डिटेक्ट द जीरो क्रॉसिंग ऑफ द एसी सप्लाई। जीरो क्रॉसिंग आर द इंस्टेंटेनियस पॉइंट्स ऑन द वेव वेयर देयर इज नो वोल्टेज। दिस विल रिक्वायर सर्किटरी टू डिटेक्ट द क्रॉसिंग पॉइंट व्हाइल प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हाई वोल्टेज। ठीक है, तो हमको एक स्पेशल सर्किटरी की जरूरत पड़ेगी, कंट्रोलर को एक स्पेशल सर्किटरी चाहिए जिससे वो डिटेक्ट कर पाए कि जो वेव है उसकी जीरो क्रॉसिंग पॉइंट क्या है। जीरो क्रॉसिंग पॉइंट के हिसाब से वो क्या करेगा कि ट्राइक को फायर करेगा। ट्राइक को फायर करेगा, तो ट्राइक को कंट्रोल करेंगे हम। फायर करना मतलब कि पावर को कंट्रोल करना, फायर करना मतलब कि पावर को कंट्रोल करना, फायर करना। तो फायर करने से क्या होगा, ट्राइक की पावर को कंट्रोल होगा। और पावर कंट्रोल हुई, जैसे पावर कंट्रोल हुई क्या हुआ, मोटर की स्पीड कंट्रोल हो गई, मोटर की स्पीड कंट्रोल हो गई तो ड्रम की स्पीड कंट्रोल हो गई, ड्रम की स्पीड कंट्रोल हो गई तो हमारी वॉशिंग साइकिल आ जाएगी। ठीक है, द पुश बटन कीबोर्ड अनेबल्स द डिजायर्ड प्रोग्राम टू बी सिलेक्टेड। अब जैसे हमने वॉशिंग मशीन देखी होगी, आपने देखी है, तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि ऊपर एक पैनल रहता है जहाँ पे कीबोर्ड टाइप का पैनल होता है, बटन्स रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेट करके रखते हैं कि वन पे रखें, टू पे रखें कि थ्री पे रखें, वन फॉर लो स्पीड, टू फॉर हाई स्पीड, मिडिल स्पीड एंड फिर हाई स्पीड। फिर हम ये भी चूज करते हैं कि हमारे कपड़े किस टाइप के हैं, कॉटन क्लॉथ्स हैं कि नायलॉन के क्लॉथ्स है, वो भी हम चूज करते हैं। हम टाइम सेट करके भी रखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पुश बटन अपन प्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई एक डिजायर्ड प्रोग्राम सिलेक्ट होता है, मतलब कि अपन ने पुश बटन से कर दिया, तो फिर क्या होगा कि माइक्रो कंट्रोलर को एक सिग्नल मिल गया कि ये इन्फॉर्मेशन, और उसकी तरीके से उसका डिजायर्ड प्रोग्राम बन जाता है। द कंट्रोलर द माइक्रो कंप्यूटर चेक्स फर्स्टली दैट द सेफ्टी कटआउट इज इन ऑन पोजिशन। क्या होता है कि उसमें वॉशिंग मशीन तो बहुत ज़्यादा हैवी मशीन है, ठीक है, हाई वॉल्यूम की मशीन है, तो फिर अगर कुछ भी पावर का कुछ शॉर्टेज टाइप आता है या फ्लक्चुएशन आते हैं, तो वो इंश्योर करके रखता है कि एक सेफ्टी कटआउट ऑन है या नहीं, क्लियर, वो रहता है। फिर क्या होता है, द वॉटर इज एडमिटेड, वॉल्व ओपन एंड वॉटर लेवल इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, वॉटर अपन एक वॉल्व रहता है वॉशिंग मशीन में, जो क्या करता है, जिसकी जिसके इधर से क्या होता है, पानी की एंट्री होती है। वॉटर वॉल्व से जब वॉल्व ओपन होता है तो वॉटर की एंट्री होती है, ठीक है। अब पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि फिर बाद में इतना पानी आ गया कि ये बाहर से ही पानी ओवरफ्लो होने लग गया, ओवरफ्लो होने लग गया है, ऐसा नहीं होगा। क्या क्या होगा उसके अंदर, एक वाटर लेवल सेंसर होगा। देखो हमने पढ़ा था, वाटर लेवल इंडिकेटर भी है यहाँ पे, देखना, वाटर लेवल सेंसर। वाटर लेवल सेंसर क्या करेगा कि एक
सेट करके रखेगा कि कितना वाटर आना है, मतलब कंटिन्यूअसली वाटर लेवल को भी क्या करा जाएगा, चेक किया जाएगा। और जैसे ही एक वाटर लेवल पे एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर आ गया है तो वॉल्व क्लोज हो जाएगा। द वाटर टेम्परेचर इज मेजर्ड एंड हीटर इज स्विच्ड अंटिल द वाटर रीचेज अ रिक्वायर्ड टेम्परेचर। फिर क्या होता है कि वाटर हीटर भी है, तो वाटर हीटर भी क्या इंश्योर करेगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक अगर वाटर आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जो वाटर हीटर है वो भी स्विच हो जाएगा, मतलब स्विच ऑफ हो जाएगा। इन द मीन टाइम द वॉशिंग पाउडर इज एडमिटेड फ्रॉम द कंटेनर एंड द हार्डनेस ऑफ वाटर इज नोटेड। एट द सेम टाइम ड्रम मोटर इज स्विच्ड ऑन सो दैट डर्टी वाटर इज इवनली मूव्ड और वाटर इज मूव्ड ओवर थ्रू द वाटर थ्रू द क्लॉथ्स। अब क्या होता है कि मीन टाइम में, मतलब कि टेम्परेचर सेंस हो गया, वाटर लेवल सेंस हो गया, हमने चेक कर लिया कि पावर है कि नहीं, ये तीनों करने के बाद फिर बाद में क्या होगा कि हम वॉशिंग पाउडर जो हमने डाला है कंटेनर में वो लिया जाएगा, और फिर बाद में हार्डनेस भी नोट की जाएगी। फिर बाद में उसी टाइम पे क्या होगा कि ड्रम, फिर ड्रम क्या करेगा कि वो घूमेगा, ठीक है, वॉशिंग साइकिल परफॉर्म करेगा, और इससे क्या होगा कि इवनली वाटर सारे क्लोथ्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एवरी नुक ऑफ कॉर्नर तक वाटर और वॉशिंग पाउडर जाएगा और वो वॉश होगा। द वाटर इज स्विच्ड टू द मोटर इज स्विच्ड टू द हाई स्पीड स्पिनिंग एंड सक्शन पंप इज स्विच्ड ऑन टू रिमूव द वॉशिंग वाटर एंड रिंसिंग वाटर टू वॉश। एट द एंड वॉशिंग साइकिल द मशीन स्विचेज ऑफ एंड प्रोवाइड सिग्नल टू इंडिकेट दिस। फिर क्या हुआ कि हमने वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद क्या होगा कि पानी पूरा जो भी वॉश वाटर है वो सारा रिंस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सक्शन पंप, सारा पानी सक हो जाएगा और वाटर आउटलेट से वाटर आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद में एट द एंड ऑफ वॉशिंग, फिर बाद में क्या होगा, हमारे जो क्लॉथ्स है वो स्पिन होंगे, और फिर स्पिन होने के बाद जब हमारे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे देन वॉट विल हैपन, मशीन स्विच ऑफ हो जाएगी, और फिर उसके बाद एक सिग्नल मिल जाएगा कि योर, फिर क्या होता है, बीप बीप कंटिन्यूअसली बीप करती है वॉशिंग मशीन के वॉशिंग कंप्लीट हो गई है, फिर ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा वॉशिंग मशीन कैसे वर्क करती है, वॉशिंग मशीन का ब्लॉक डायग्राम देखा। अब आपको ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया होगा। एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई में हमने क्या किया कि जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की मदद से क्या हुआ कि हमने एक सर्किट, हमने बोला था ना कि सर्किट आएगा जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, जीरो जो क्रॉस पॉइंट है वो हमको पता चल जाएंगे, तो उसकी मदद से जैसे माइक्रो कंप्यूटर को क्रॉस पॉइंट्स पता चल जाएंगे, जीरो क्रॉसिंग पॉइंट पता चल जाएंगे, तो स्पेसिफिक टाइम आने पे क्या होगा कि जो ट्रायक है उसको वो सिग्नल सेंड करेगा। ट्रायक को जैसे सिग्नल वो फायर करेगा तो ट्रायक क्या करेगा, पावर को कंट्रोल करेगा। पावर को कंट्रोल करने से क्या होगा, वो मोटर से कंट्रोल होगा और फिर मोटर से ड्रम कंट्रोल होगा, एंड दिस इज हाउ द मशीन विल वर्क। थैंक यू एवरीवन। कोई भी आपको डाउट हो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।